आज से कुछ दिन पहले हालात कितने अलग थे। नरीन कितना अलग था, उसे हर चीज में परफेक्शन पसंद थी। और आज इस बच्चे की वजह से नरीन का बिहेवियर, तो उसका नेचर, सब कुछ बदल गया। क्या हो रहा है नरेन? तुम अपनी मीटिंग कैंसिल करके यहाँ पिज्जा खा रहे हो? मरी, रिलैक्स। मैंने बात कर ली थी मकीजा से, आई विल मीटिंग हिम टुमारो, डोंट वरी। वो मीटिंग कर लूंगा मैं। और अजूबा ने जो तुम्हें प्रोजेक्ट ऑफर किया था, उसका क्या? उसने क्यों डिक्लाइन कर दिया तुमने? आई एम नॉट आउट ऑफ माय सेंसेस। आई नो मुझे क्या करना है। मुझे पता है कि मैं अजूबा का एम्प्लॉय हूँ, मुझे वहाँ काम करना है, प्रोजेक्ट हैंडल करना है, जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक फादर हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि आशी को चोट लगी है, ये देखो, और उसको टेम्परेचर भी है। सो प्लीज, फॉर गॉड्स सेक नरेन, इज दैट एन एक्सक्यूज? इस घर में इतने सर्वेंट्स हैं, इतने हेल्पर्स हैं, कोई ना कोई इसकी देखभाल कर लेता। उसके लिए तुमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ दिया। नरेन, प्रोजेक्ट लेना बहुत जरूरी था, तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर तुम ये प्रोजेक्ट लोगे, अगर अपना सारा काम एफिशिएंटली करोगे, तभी तुम अजूबा के वारिस बन सकते हो। मैं कितनी बार तुम्हें एक ही बात समझाऊं? भरी प्लीज, बार बार आशी के सामने शुरू मत हो जाया करो। बेबी, यू ईट दिस, ओके? आई विल टॉक टू मामा एंड कम, ओके? प्लीज यार, थोड़ा धीरे बोलो। और क्या मतलब सर्वेंट्स नहीं है घर पे? मैं आशी को सर्वेंट्स के पास छोड़ के जाऊंगा? अगर तुम थोड़ी हेल्प करो ना, तो ये जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। लेकिन तुम तो मेरे फोन भी नहीं उठाती। आई टोल्ड यू कि उसको लगी है पैर में। एक सेकंड, तुम चाहते क्या हो? मैं अपना काम वाम छोड़ के घर पे बैठ जाऊं? प्लीज नरेन, तुम अच्छी तरह जानते हो, जब से मैंने अपना बच्चा खोया, मेरा बिजनेस ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं मानती हूँ हमने इस बच्चे को अडॉप्ट किया है और इसे जो कुछ देना हम दे रहे हैं, लेकिन तुम मुझे क्यों जबरदस्ती? प्लीज परी, इसे अडॉप्ट करना मेरा डिसीजन नहीं था। और मुझे नहीं पता क्यों मैं अब तक इसकी माँ नहीं बन पा रही। आई जस्ट डोंट फील कनेक्टेड विद हर। तुम क्या बोले जा रही हो? आई मीन, डू यू हैव एनी? वो बच्ची है यार, 5 साल की। तुम जो बोलोगी वही। तुम थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकती क्या? आशी, आशी बेटा, आशी आओ, हम दोनों चल के लूडो खेलेंगे। हाँ, कम ऑन, जाओ जी के साथ। आई विल सी यू, हां, बाय। से बाय, से बाय टू दादा, से बाय टू मम्मा, बाय। व्हाट डू मीन यू डोंट फील कनेक्टेड? तुम कहना क्या चाहती हो? वो हमारी बेटी है। देखो परी, मैं मानता हूँ कि तुम माँ नहीं बन सकती हो, एंड उसमें मेरी गलती है, एंड आई फील रॉन्ग अबाउट इट। जो हुआ था वो गलत हुआ, वो किसी के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन भगवान ने हमें इतना अच्छा गिफ्ट दिया, इतनी प्यारी बेटी दी है। प्लीज, हाउ कैन यू जस्ट से दैट? तुम्हारे अंदर कोई ममता, कोई अपना हाँ नहीं? नहीं है तो क्या करोगे? सजा दोगे मुझे इस बात की? नरेन, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ जानबूझ के नहीं कर रही। किसी से इमोशनली कनेक्ट होना नहीं होना, ये हमारे हाथ में नहीं होता। एक डेस्टिनी होती है, एक किस्मत होती है। हो सकता है मेरी किस्मत में कभी माँ बनना, कभी गृहस्थी संभालना था ही नहीं। हो सकता है मैं सिर्फ एक बिजनेस वुमन बनने के लिए इस दुनिया में आई थी। क्या बोले जा रही हो तुम? मैं सही कह रही हूँ नरेन, और ये जो डेस्टिनी है ना, मुझे भगवान ने नहीं, तुमने दी है। क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी अंदर की माँ मर चुकी है, तुम्हारी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती, और ये ममता ये कभी भी किसी के लिए नहीं जागेगी। और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इस बारे में मुझे कुछ भी बोलो। और थोड़ा भी वक्त मिले ना, तो अपने आप को देखो, तुम क्या थे और क्या बन गए हो नरेन। एक वक्त था जब तुम एक परफेक्शनिस्ट थे, और अब तुम वो नरेन ही नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। वो नरेन जो एम्बिशियस था, जिसके कुछ ड्रीम्स थे, कुछ एस्पिरेशंस थे, जो बिजनेस वर्ल्ड में टॉप पे रहना चाहता है हमेशा। और ये नरेन जो दिन भर घर पे बैठा रहता है, एक बच्ची के साथ खेलता रहता है, ऑफिस नहीं जाता, अपनी मीटिंग कैंसिल कर देता है, तुम वो नरेन हो ही नहीं सकते। जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना नरेन, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझे कुछ भी कहने। मैं एटलीस्ट अपना काम तो कर रही हूँ, मैं अपना करियर संभाल रही हूँ, और तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ। Enough! Enough is enough now. बहुत बोल लिया तुमने। अगर अपने बच्चे से प्यार करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है, तो हाँ ठीक है, भागता हूँ मैं। आई लव माई चाइल्ड, और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कितनी भी ऐसी कंपनियां बर्बाद कर सकता हूँ। मुझे उसको टाइम देना ज्यादा जरूरी है। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बदल गया हूँ, तो बदल गया हूँ। दिस इज द वे आई एम नाउ। मेरी आशी मेरी जिंदगी है, और वो कभी तुम्हारी बच्ची नहीं है। चाहे तुम कुछ भी कहो, वो मेरी ही बेटी है और हमेशा रहेगी। यू गेट दैट?
बोलो अंबे मात की जय। मना किया था ना उपवास मत रखना, पर तुम तो। अरे भैया आपके कहने से क्या होता है, आप तो 5 साल से कहते ही आ रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने आपकी बात सुनी है जो इस साल सुनेगी। नीलिमा कैसी हो? अरे तुम इतना देर काहे लगा दी? माफ करना थोड़ी सी देर हो गई। अच्छा चल कौन बात नहीं। ये कौन है, तुम्हारी बहू है का? वो भैया की बीवी नहीं है, घर की मेहमान है। 5 साल पहले यहाँ आई थी, अब तो जैसे घर का सदस्य है। हर साल वो भी इस पूजा में। कविता छत देख चपड़ चपड़ करती रहती है, बहुत सारे काम पड़े, जा जा के काम कर जा। अंकिता तुम अंदर जाकर आराम कर, वैष्णवी अंदर ले जाओ। मां भाऊजी मैं दुकान चलता। इन 5 सालों में हमारा रणविजय कितना बदल गया है। पहले सिर्फ आवारा गर्दी किया करता था, लेकिन अब अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा है, उनको लेके चलने लगा है। मैं आपको छोटी माँ कहकर बुलाती हूँ, इससे लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी वो आंटी भी दादी से। वैष्णवी लोग क्या कहते क्या नहीं कहते सारी बातें मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि हम एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं, और हम जानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं। ये आंटी अंकल ये क्या कहते हैं इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो यही सच है कि मैं तेरी छोटी माँ थी और हमेशा। Okay. मैं अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर दूं। अच्छा अरे नीलिमा सुनना इधरा, तुम तो कह रही थी कि रणविजय का वो लड़की से कौनो सरोकार नहीं है, फिर ये वैष्णवी उसे छोटी माँ कह के काहे को बुलाती है, और हर साल वो लड़की पूजा में काहे शामिल होती है। देख नीलिमा वो ये घर में रहती है, तुम लोग उसे अपना मानते हो तो उसे हमेशा के लिए अपना क्यों नहीं बना लेते हो? रणविजय वैष्णवी और वो लड़की को देखा है, दोनों पति पत्नी लगते हैं, और वैष्णवी तो बिल्कुल बच्ची लगती है उनकी। अब बिना शादी किए वो लड़की का ये घर में रहना अच्छा नहीं है, इससे अच्छा तो कि तुम उन दोनों की शादी करवा दो। मैंने कहा था ना आपसे 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया नरेन, मैं बहुत आगे बढ़ाई, आपकी यादों के साथ जीना सीख लिया, सबके साथ रिश्तों के मायने बदल गए। बस जो बदला नहीं है वो है मेरे लिए आपका प्यार। मेरे जख्मों को वक्त ने भरा तो नहीं है, बस उनके साथ आगे बढ़ना सिखा दिया। मैं चल रही हूँ, आपकी यादें आज भी हैं दिल में दिमाग में, जो कभी 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 उभर कर बाहर भी आ जाती है। तब एहसास होता है कि पहला प्यार ही होता है, उसे भुलाना बहुत मुश्किल है। मैं हर साल आपके लिए तीज का व्रत रखती हूँ ताकि आप खुश रहें, सुरक्षित रहें। मेरे मन में कभी कभी ख्याल आता है मैं तो आज तक आपको भूल ही नहीं पाई, लेकिन क्या आप मुझे, आपको कभी मेरी याद आती है नरेंद्र सर? मेरी याद आपको क्यों आएगी? मेरे पास आपको याद रखने के लिए मेरे प्यार का बहाना है, हमारे गुजरे हुए बच्चे का एहसास, आपके पास तो कुछ भी नहीं। I feel so lonely, बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, मेरे आई बाबा भी नहीं रहे, बस हाजी अजोबा का थोड़ा सहारा है,
और तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे लिए कोई वक्त ही नहीं, तुम्हारी दुनिया में मेरी कोई जगह ही नहीं, तुम्हारी दुनिया में तो बस तुम और आशी। अरे तुम मुझे गलत समझ रही, ऐसा नहीं है। दुनिया हम तीनों से कब समझोगे तुम? तुम मेरी दुनिया में आना नहीं चाहती और आशी को मैं अपनी दुनिया से अलग नहीं कर सकता। मेरे अकेलेपन को शायद कभी कोई नहीं समझ पाएगा। यहां मैं अपनों के साथ तो रहती हूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अकेली, बहुत बदनसीब हूं, या फिर शायद पिछले जन्म में बहुत सारे पाप किए होंगे जो मुझे ये सब, मैंने जिंदगी से कभी कोई उम्मीद नहीं की थी, हद से ज्यादा कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन जो मांगा वो भी नहीं मिला। आपका प्यार, मेरे बच्चे का साथ, सब कुछ एक सपने की तरह आंखों में आया और फिर सपने की तरह टूटकर बिखर गया। मैं ना पत्नी बनकर आपको प्यार दे पाई, सोचा था कम से कम माँ बनकर अपने बच्चे को बहुत प्यार दूंगी, नहीं मेरी जिंदगी की हर कमी पूरी करेगा मेरा बच्चा। जो पल, जो खुशियां मैं आपके साथ नहीं बिता पाई, वो सारे पल, वो सारी खुशियां शायद मैं अपने बच्चे के साथ बिता पाता। लेकिन मैं तो इतनी बदनसीब हूं कि मेरे नसीब मैंने जब से हमारा बच्चा खोया है, मैं अंदर ही अंदर बहुत घुट रही हूँ। जिंदा हूं लेकिन जी नहीं पा रही। आज भी मुझे उस बच्चे के सपने आते हैं, उसका एहसास होता है। आज वो होता तो 5 साल का होता, मुझे माँ कहकर बुलाता। वो भी होता तो वो बिल्कुल आप ही की तरह होता, शरारती, दिन भर मुझे तंग करता और उस पर गुस्सा करने की बजाय मुझे उस पर प्यार आ जाता। अगर वो होता तो शायद जीने की वजह होती मेरे पास। कैसे बाल बनाया तूने? ये बाल बनाने का तरीका है? सारी चोटी अब वापस खोलनी पड़ेगी, इतने बड़े बाल हो गए। इसलिए आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आप एकदम परफेक्ट मम्मी हो। आप मेरी मम्मी क्यों नहीं बन जाती? ये छोटी माँ थोड़ा बड़ा नहीं है? मम्मी कितना शॉर्ट एंड स्वीट है। आज से मैं आपको मम्मी बुलाऊंगी। नहीं। क्यों? तो मुझे मम्मी नहीं बुला सकती क्योंकि मुझे छोटी माँ ही अच्छा लगता है। ठीक है, आज आप मेरे स्कूल फंक्शन पे आएंगी? वैष्णवी अब तक तैयार नहीं हुई, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। हाँ बस ये हो ही गई है तैयार। वैष्णवी अपना बैग ले ले, जा चलिए। अंकिता वो तुम्हारे बालों में कुछ लगाओ। मेरे बालों पर क्या लगा है? वा नहीं, पीछे। कहाँ? क्या हुआ? वो ये घर में रहती है, तुम लोग उसे अपना मानते हो, तो उसे हमेशा के लिए अपना क्यों नहीं बना लेते हो? रणविजय वैष्णवी और वो लड़की को देखा है, दोनों पति पत्नी लगते हैं। निकला? थैंक यू, ये साइंस प्रोजेक्ट। मुझे अभी याद आ रहा है कि तुझे होमवर्क करना है, इतनी देर से यहाँ भटक रही थी, तब तेरे को याद नहीं आया? अभी पापा आए स्कूल ले जाने के लिए, खा ये फटाफट, नाश्ता भी नहीं किया है, कब से पीछे पड़ी हुई। अरे रणविजय, दीपक, अरे दीपक तू
कैसा है तू? ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू था कहाँ? तेरी कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं? अरे भाई मैं मुंबई में था, वो क्या ना नौकरी वोकरी के चक्कर में लगा हुआ था, लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक है। ये ले, तेरे लिए मैं गांव का अचार लाया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम चाचा जी, कैसे हैं आप? अरे दीपू बेटा, गंगा मैया की कृपा है। अरे रणविजय, तूने शादी कर ली और बताया तक नहीं। ये तोहार बीवी और बच्चा है ना? प्रणाम भाभी जी। अरे नहीं नहीं दीपक, ये हमारी बीवी नहीं है। हमारी पत्नी का तो 5 साल पहले स्वर्गवास हो गया था, और ये मेरी बिटिया है वैष्णवी। हमका माफ करना, ये दोनों को एक साथ देखकर हमको गलतफहमी हो गई थी। अच्छा रणविजय, तो और कामकाज कैसा चल रहा है? अरे कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने साड़ियों की दुकान खोली है बड़ी चौक पर। अब तू यहाँ पर आ गया है तो आ जा शाम को दुकान पर। हाँ जरूर आऊंगा, लेकिन अभी निकलता हूँ, वो क्या है ना 2-3 जरूरी काम निपटाने हैं, और कल मुंबई भी वापस निकलना है। अच्छा कल वापस जा रहे हो? हाँ, एक ही दिन की छुट्टी है, तो मैं चलता हूँ, और तू अपना ख्याल रखना। तू भी अपना ख्याल रख। ठीक है। आज तो दुबे जी के यहाँ भोज पे है जाना, पंडिताइन आज हमरा दोपहर का खाना मत बनाना। अरे आज तो है हमसे खीर पकोड़े का वादा, 2-4 मंत्र इधर उधर, 2-4 हजार ज्यादा। का बात है पंडिताइन? अरे हमरी बात सुनती हो कि नहीं पंडिताइन? जी हमका कुछ करना चाहिए। अरे पंडित ताइन, हमको क्या करना है? वो जो दुबे जी के यहाँ है, जो कुछ करेंगे वो करेंगे भाई। हम तो दोनों हाथों से बस लबा लब खीर पकोड़े, खीर पकोड़े। अरे हम दुबे जी की भोज की बात नहीं कर रहे हैं। फिर हम तो अंकिता और रणविजय के बारे में बात कर रहे हैं, याद है? अरे रणविजय, यही बही खाता एक बार देख लीजिएगा, दुकान पे भिजवा देंगे। वो का है कि जैसे जमा गुणा भाग में आगे बढ़ते हैं ना, लड़खड़ा जाते हैं। हम कर देंगे। ई लो, आप जैसा बेवकूफ इंसान हमने आज तक नहीं देखा है। मामूली सा हिसाब किताब नहीं करने आता आपको? अरे अगर सारा बही खाता रणविजय को दे देंगे तो सारा मुनाफा वो घटक लेगा, तो हमें क्या मिलेगा? ठेंगा वैष्णवी, बाहर रुको हमारे। बाय छोटी माँ। बाय। अंकिता, हम दुकान जा रहे हैं। जी, एक सेकंड। विष्णु। हाँ हाँ हाँ। तू का क्या ख्याल है अंकिता और रणविजय के बारे में? अरे दोनों का शादी करा दीजिए, और का ख्याल है? अरे हम तो कब से कह रहे हैं कि अंकिता से बात कर लीजिए। वो का है कि हमसे भी लोग पूछते हैं कि ये कौन है, इतने सालों से यहाँ का कर रही है, हमसे भी जवाब देते बनता नहीं है अब। हाँ एक मिनट बाबूजी, आप इतने लोगों का कुंडली देखते हैं, इन दोनों का कुंडली देखकर बताइए ना कि इनका योग मिलता है या नहीं बनता है। उका है कि दोनों बेचारे अकेले हैं, एक दूसरे के जीवन साथी से दूर हुए हैं, एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे तो अच्छा ही है, ये घर में थोड़ा रौनक आ जाएगा। ये आपका वॉलेट, जल्दी आएगा। रणविजय, अंकिता बेटा, हमका तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करना है। कैसी बात? वो कहा है कि हम तुम दोनों के रिश्ते को एक नई पहचान देना चाहते हैं।